ठीक है सो आईपी एड्रेस को हमने पढ़ा अभी आज पढ़ने वाले सबनेट मास्क के बारे में अभी सबनेट मास्क क्या है थोड़ा सा उसको समझते हैं देखिए जब आप आईपी एड्रेस देते हैं ना वेन यू कॉन्फिगर आईपी एड्रेस ऑन अ पर्टिकुलर मशीन देन सबनेट मास्क विल एडेड ऑटोमेटिकली एंड दिस सबनेट मास्क Tell the system in given IP address. Tell the system in given IP address, in given IP address, how many bits are reserved. उ मेनी बिट्स आर रिजर्व फॉर नेटवर्क पोर्शन नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन राइट तो जो मैं बोलता हूं ना आईपीड के इतना पोर्शन नेटवर्क का होता है इतना पोर्सन डेस्टिनेशन होस्ट का होता है कैसे बिकॉज ऑफ द सबनेट मास एक कंप्यूटर को नहीं पता असिस्टम न नॉट नो या फिर नहीं पता उसको डोट नो वट इज अ क्लास ए वट इज अ क्लास बी एंड इज अस सी डर सिस्टम का कोई रिलेशन नहीं है दिस आई पी एड्रेस इज बिलोंग फ्रॉम क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी डर हिज नंबर विदील विदर तो ये जो क्लास ए है बी है सी है ये हम ह्यूम के लिए बनाया गया है ताकि हम चीजों को मैनेज कर पाए बट एक सिस्टम के लिए कोई क्लास ए कोई क्लास बी कोई क्लास सी है ही नहीं उसके लिए सिर्फ एक आईपी एड्रेस है और उस आईपी एड्रेस को जो आपने दिया हुआ है उसमें कितना पोर्शन नेटवर्क का है कितना पोर्शन आपका होस्ट का है वो बताता आपका सबनेट मास्क जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है विच इज वी नो टू फाइव फाइव जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो एंड क्लास बी का होता है टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव सॉरी सॉरी जीरो डॉट जीरो भावना में थोड़ा जल्दी बह गया था मैं देन क्लास सी है हमारे पास विच इज टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव डॉट जीरो सो दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क अब मैंने बोला डिफॉल्ट सबनेट मास्क दैट मीन हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बट कब चेंज करेंगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बात की बात है फिलहाल के लिए ये जो मैंने आपके सामने लिखा है दीज आर डिफॉल्ट सबनेट मास्क नाउ सी अब अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं सपोज मेरे पास एक आईपी एड्रेस है टेन डॉट टेन डॉट टेन डॉट वन टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन जब हम इस आईपी को देते हैं तो देखना सबनेट मास अपने आप हो जाता है जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो नेटवर्क प्रॉपर्टी पे चलते हैं और मैं यहां पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी करता हूं किसी भी एनआईसी कार्ड पे जाके यहां एक सेक्शन होता है आपका टीसीपी आई फोर प्रॉपर्टी पे जाएंगे एंड अपटेन आई पी एड्रेस अब यहाँ पे देखो मैंने आई पी दे दिया सपोज दे दिया मैंने टेन डॉट वन डॉट वन डॉट वन एंड मैंने जैसे ही क्लिक किया अपने आप सबनेट मास्क क्या ले लिया दो सौ पचपन जीरो 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 क्या इस सिस्टम को पता है कि ये क्लास ए का है नहीं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसने भी बनाया है उसने ये प्रोग्राम पहले से इसमें फिक्स किया है कि अगर रेंज एक से लेकर छब्बीस के बीच में होगा तो ये सबनेट मास्क ले ले सौ छब्बीस से ऊपर होगा एक सौ अट्ठाइस से होगा तो ये सबनेट मास ले ले, क्लास बी और क्लास सी हमारे लिए है मतलब जो नंबर डिफाइन किया गया वो प्रोग्राम के अंदर किया गया इससे इतना रेंज होगा तो यह सबनेट मास उठाना है इससे रेंज होगा तो ये सबनेट मास उठाना है अगर मैं यहाँ पे क्लास बी का कोई आई पी लिखू वन सेवेंटी टू सिक्सटी डॉट वन डॉट वन एंड क्लिक द दबनेट मास देखो ऑटोमेटिकली फीड हो गया इट इज कॉन्फिगर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम बट ये कंप्यूटर को थोड़ी पता है बट इस सबनेट मास्क से क्या फर्क पड़ रहा है वो हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है देखे?

फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो दिस इज दिस इज दिस हो गया दो सौ पचपन जीरो 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 आर वन दैट मीन इट्स टू फिफ्टी फाइव एंड ऑल बिट विल जीरो थ्री फोर यहाँ पे जीरो डॉट नहीं है गलती से डॉट लग गया टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट डॉट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट डॉट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट एट सो दिस इज द टू फिफ्टी फाइव दिस इज द टू फिफ्टी फाइव तो ध्यान से समझना सबनेट मास में जो वन वाली जो बिट होती है ये रिप्रेजेंट करती है सबनेट मास के अंदर जो टू फिफ्टी फाइव मतलब वन 255 का मतलब ऑल वन्स मींस ऑल वन आर रिप्रेजेंट वन इज वन जो होता है वो नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करता है कि नेटवर्क बिट है ये एंड जीरो जो होता है दिस इज द होस्ट बिट ये छोटे-छोटे तो रूल पता होने चाहिए जब मैं आपको सबनेटिंग पढ़ाऊंगा तो वहां पे काम आएंगी तो जो वन होता है ये नेटवर्क बिट मतलब आपका नेटवर्क यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक का कहने से मतलब क्या है एक सेकंड दे दो मुझे ये जो वन होता है वो होता है हमारा नेटवर्क बिट एंड जो जीरो होता है वो होता है हमारा होस्ट बिट ठीक है तो ये जो आपका वन है ये वन 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 मतलब मुझे ये वाला ब्लॉक को फिक्स करना है ये वाला बिट ये जो ब्लॉक है ये जो ऑक्टेट है इसको मुझे फिक्स करना है विद वन तो ये जीरो 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 जीरो, जीरो. यहां पे वन है यहां पे वन है तो मतलब दिसन ये फिक्स है तो ये वन वाला बिट जो है रिप्रेजेंट मतलब मेरा नेटवर्क में जो पहला ऑक्टेट है वो टेन मेरा क्या है फिक्स है दिस इज अ नेटवर्क जो मुझे बताता कि मेरा नेटवर्क का नंबर क्या है वट इज अ नेटवर्क डिसकनेक्ट हुआ था क्या हा तो हमारा जो ये होता है ये नेटवर्क बिट होता है जो कि फिक्स है

रहती सबको बढ़े आगे चलो ओके अब हम क्या करेंगे सबनेटिंग करेंगे अब ध्यान रखना मैं सबनेटिंग में सिर्फ आज हम क्लास सी को सीखेंगे और मैं कम से कम चार से पांच एग्जाम्पल लूंगा और इसके अलावा आज हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे क्यों क्योंकि ये जो सबनेटिंग चीज जो है ना नेटवर्क इंजीनियर के लिए सबसे बड़ा बैकबोन है कीप इन माइंड बिना सबनेटिंग के जब आप आगे बढ़ के मान के चलो आप सीसीएनपी सीखते हो आगे चल के आप सी सी अगर मान के चलो करते हो नेटवर्क में और अपने आप को इंक्रीज करना चाहते हो तो वहां पे आपको एक प्रोटोकॉल पढ़ने के लिए मिलेगा विच इज बीजीपी और अगर आप सीसीएनपी लेवल की नॉलेज लेके इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो सामने वाले को पता है कि इसके अंदर इस बंदे को बीजेपी तो आती ही आती होगी और बीजेपी के ऊपर काम वही बंदा कर सकता है जिसकी सबनेटिंग अच्छी हो और नॉट ओनली बीजेपी में चले गए आप और उस कंपनी के अंदर इतने बड़ी कंपनी है वो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो वहां पे सारा आपको सबनेटिंग वाले नेटवर्क्स मिलेंगे तो अगर आपने आज इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करी तो ये पहला स्टेप है नेटवर्किंग का और इंटरव्यूर जो होता है ना वो पहले से आपको बेसिक बेसिक चीजें पूछेगा और उसके बाद वो सबनेटिंग पे आ जाएगा और सबनेटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आता है वही नेटवर्क में काम कर सकता है जब आपको पता ही नहीं है कि सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है होता क्या है और आपके उसके कॉन्सेप्ट अगर पता भी पहले पढ़ा है बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया भूल गए मैं पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूं तब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद इंटरव्यूर को पता है कि इस बंदे को मैं अपनी कंपनी में लेके आऊंगा इसको सबनेटिंग ही नहीं आती मेरे कंपनी में तो सारा नेटवर्क सबनेट का है तो वैन तो छोड़ो वो नेटवर्क में ही काम नहीं कर सकता क्योंकि वो सबनेटिंग ही नहीं क्लियर है तो कैसे वो एसीएल लगाएगा कैसे वो राउटिंग करेगा कैसे वो नेटिंग करेगा और नेटवर्क के अंदर तीन चीज सबसे मेन होती है राउटिंग ए और नेट नेट राउटिंग ए ये तीन चीज सबसे मेजर पॉइंट होता है नेटवर्क नेटवर्क का जब आप मजबूत होगी कई लोगों की जॉब सिर्फ सबनेटिंग नहीं आती नहीं लगती उनको पता मैं इसको अपने कंपनी में कैसे लेके आऊंगा यार मेरा सारा कंपनी तो सबनेटिंग वाला नेटवर्क है तो काम ही नहीं कर पाएगा अब मैं हर चीज के लिए उसको पूछने लगेगा तो मैं तो उसको बताने में लेकिन ले ले तो मजबूत है और उसके बेसिस है कि आपको आता है नहीं। क्योंकि पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलिए सबनेटिंग को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार और बताने से पहले फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो जब मैं पहला एग्जाम्पल आपको सबनेटिंग का लूंगा तो आपको 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 हो सकता है कि आपको मुझे बाकी मेरे ऊपर से से निकल गया। we'll take another example. जब तक मैं आपको तीन से चार नहीं तब तक सबनेटिंग आपके दिमाग में नहीं घुसेगा और इतना करने के बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा देन ये भी आपको घर पे करना है और उसके बाद अगर आप घर पे कर लेते हो तो क्लास सी की सबनेटिंग आपको आ गई। फिर क्लास सी की सबनेटिंग अगर दिमाग में आ गई तो क्लास बी और ए अपने आप आ जाएगी बाकी मैं बताऊंगा बट ए और बी अपने आप आ जाएगी क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा सबनेटिंग होता क्या है पहले ये समझते हैं सबनेटिंग होता है कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना सपोज आप लोग क्या करते हो आप घर में आप एक प्लॉट लेते हो आप एक प्लॉट खरीदते हो खाली प्लॉट फिर आप क्या करते हो उसके पार्टीशन करके ये रूम बना लेते हो ये रूम वन है ये रूम टू है ये रूम थ्री है ये किचन है ये बाथरूम है पार्टीशन कर लेते हो ना तो एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया सेम थिंग नेटवर्क में भी ऐसा होता है नेटवर्क में भी क्या होता है हमारे को सबनेटिंग करने की जरूरत पड़ती है तो सबनेटिंग क्या होता है सबनेटिंग इज द फीचर टू डिवाइड टू डिवाइड टू डिवाइड डिवाइड वन सिंगल हम लोग डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहे हैं ना बार बार कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं मतलब आप लोग डिकनेक्ट हो रहे हो मैं तो कनेक्ट नहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा ना बीच में एक बार मुझे कंफर्म कर दो कहीं पता लगे मैं ही डिसकनेक्ट तो नहीं हो रहा ठीक ठीक ग्रेट ठीक ठीक तो डिवाइड वन सिंगल नेटवर्क इन मल्टीपल सब नेटवर्क अब रिक्वायरमेंट क्यों आती है कि जब हम एक नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में तोड़ते हैं तो सपोज तो देखो क्या होता है कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं ठीक है एच आर डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट और ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं हम इनको एक अलग अलग नेटवर्क में रखते हैं एच आर एक अलग नेटवर्क में रहेगा सपोज मैं मान के चलो मैं कुछ एक ऐसे ले लेता हूँ कि मेरे को ना कुछ नेटवर्क्स बनाने हैं तो मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट है जैसे एच आर है सेल्स है आईटी है ठीक है एचआर का नेटवर्क मैं रखना चाहता हूं वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट टेन डॉट जीरो नेटवर्क स्टार्टिंग के तीन नेटवर्क हमारे पता ही आपको, है आपको नेटवर्क पोर्शन है एंड सेल्स वाले को रखते हैं हम लोग वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट इलेवन डॉट जीरो दूसरा नेटवर्क क्योंकि इसका ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट डिफरेंट है तीन ऑक्टेट में ये वाला ऑक्टेट में डिफरेंट है मीन डिफरेंट नेटवर्क हो गया एंड आई हो गया वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट ट्वेल्व डॉट जीरो तो दिस इज द अनदर डिफरेंट नेटवर्क तो मैंने ये डिफरेंट नेटवर्क रखे और आपको पता है दिस इज द क्लास सी नेटवर्क एंड क्लास सी के अंदर जो होस्ट पोर्शन होता है उसमें आठ बिट हमारे होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं तो टू की पावर एट हम करते हैं और माइनस टू कर देते हैं क्योंकि एक हमें नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी जो असाइन नहीं कर सकते तो जो यूजेबल आईपी मिलती है वो दो सौ चौवन आईपी मिलती है हमने बात करी थी इस पहले भी तो पर नेटवर्क मुझे दो सौ मिल रहे हैं अब क्या होता है कि मान के चलो कि एच में 50 यूजर हैं सेल्स में भी 50 आईपी की रिक्वायरमेंट है और आईटी में भी 50 आईपी की रिक्वायरमेंट है मान के चलते हैं हमें 50-50 आईपी की रिक्वायरमेंट है पर डिपार्टमेंट तो अगर मैं पूरा ब्लॉक एच को ये वाला दे देता हूं तो दो में से सिर्फ 50 आईपी यूज हो रहे दो मेरे क्या हो गए वेस्ट इसी तरीके से सेल्स में भी मुझे पचास आईपी की रिक्वायरमेंट थी बट इसमें मिलते कितने दो सौ चौवन आई पर नेटवर्क बट मेरी रिक्वायरमेंट पचास की है, दो सौ चार यहां भी मेरे वेस्ट हो गए सेम थिंग आईटी में भी वही लॉजिक फील हो रहा है तो मतलब दो दो सौ मेरे आईपी वेस्ट हो गए अब ये जो प्राइवेट आईपी है ये तो फ्री है सर जब फ्री है तो फिर वेस्ट का क्या मतलब है फिर क्यों फिर हम सब नेटिंग कर रहे हैं अभी मैं उसके पार्ट के ऊपर बाद में आऊंगा इस लॉजिक के ऊपर बाद में आऊंगा सबनेटिंग आपको एक्चुअ में जरूरत पड़ती कहां है हालांकि लैन नेटवर्क में भी पड़ती है अगर एक छोटा सा कंपनी है ना आपके पास चार डिपार्टमेंट है या पांच डिपार्टमेंट है दस दस पांच पांच यूजर्स हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर वहां सबनेटिंग जरूरत नहीं पड़ती है सबनेटिंग की जरूरत पड़ती है जहां पे लार्ज ऑफ number नेटवर्क नंबर नेटवर्क होते हैं ऐसी कंपनी में गए हो जहां पे तीन हजार यूजर हैं पांच फ्लोर हैं पचास तो डिपार्टमेंट है वहां सबनेटिंग करनी पड़ेगी आपको वहाँ पे नेटवर्किंग सबनेटिंग वाले ही मिलेंगे आपको ठीक है तो वो बात क्या उस चीज़ के ऊपर अभी हम तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को पचास पचास आई चाहिए बट हर नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है आई की वो पचास की है बट हमारे दो सौ पर नेटवर्क मिलते हैं पचास आई देने के बाद हमारे दो सौ हर नेटवर्क में हमारे पास बच रहे हैं जो वेस्ट हो रहे हैं उसी वेस्टेज को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा कोई एक सिंगल नेटवर्क लूंगा लाइक मैंने ले लिया 192.168.10.0 इसी नेटवर्क को मैं क्या कर दूंगा छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दूंगा तो उसी को आज हम करने वाले हैं तो जो सबनेटिंग है डियर, इसके दो टाइप होते हैं एक होता है हमारा एफ और दूसरा होता है हमारा वी एफ जिसको समझ में आएगा वही वीएलएसएम कर सकता है अगर एफ जो अभी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एफ जिसको बोलते हैं हम फिक्स्ड फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क मैंने शॉर्ट फॉर्म में एस लिख दिया सबनेट मास्क और वीएलएसएम का होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क तो दिस इज द एफ एल एस एम एम VLSM. FLSM जिसने सीख लिया जिसको समझ में आ गया वही कर सकता है यहां पे अगर दिक्कत हो गई आपको जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं तो जितने भी डाउट होंगे आप क्लियर करके चलोगे अगर डाउट क्लियर करके नहीं चलोगे तो वी एल एस एम बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा वी एल एस एम वही समझ सकता जो एफ एल एस एम को सीख जाएगा और एफ एल एस एम ईजी है जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे प्रैक्टिस करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एक रूल आप से एक हफ्ते के लिए बांध लेना अगर आपको सीरियस हो इस नेटवर्किंग को लेके। एक हफ्ता कंटिन्यूसली तीस मिनट तक तीस मिनट कम से कम पूरे दिन में तीस मिनट आपको सबनेटिंग की प्रैक्टिस करनी है सिर्फ एक हफ्ता मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद की हुई है तभी मैं सबनेटिंग अच्छे से पढ़ा पाता हूं और सबनेटिंग समझाना ना एक कहते ना वाली खीर जो टेढ़ी लकीर जिसे बोलते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग को समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लॉजिक्स जब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं सबनेटिंग समझ में नहीं आएगा तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे दे कि मैं दस एग्ज़ाम्पल दूंगा इतने एग्जाम्पल लेंगे हम लोग कि आपका क्लास सी की सबनेटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी इसीलिए मैं सबनेटिंग जब पढ़ाता हूँ ना तो मैं इसमें ज़्यादा मतलब जब हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया मैं कोई दूसरी चीज़ और नहीं पढ़ाऊंगा क्यों क्योंकि वी ये ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स वाई पहले आप इसकी प्रैक्टिस करना जितना मैं सिखाऊंगा उतना करना उसकी प्रैक्टिस करना और रोज एक हफ्ता प्रैक्टिस करना इसकी कल और आज और कल, कल क्लास है आपके पास पाँच दिन पूरे बचे हैं ये पाँचों दिन सौ दिन नहीं पूरे पाँच दिन आप लोग ईमानदारी से सबनेटिंग की प्रैक्टिस करना आप लोग सबनेटिंग में पक्के हो जाओगे ठीक है चलिए एफ को स्टार्ट करते हैं तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है पहले हम देखते हैं मेरे पास तीन डिपार्टमेंट है एक एच एक और एक IT। और इन सभी डिपार्टमेंट में मुझे पचास पचास आईपी की रिक्वायरमेंट है एचआर में भी पचास चाहिए सेल्स में भी पचास चाहिए आईटी में भी पचास कंप्यूटर चाहिए मींस पचास आईपी चाहिए तो मुझे सबनेटिंग करनी है तो सबनेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास सी की सबनेटिंग के लिए कोई भी क्लास सी का नेटवर्क लिख लेते हैं तो क्लास सी का कोई भी एक जने आप में से नेटवर्क मुझे बताइए मैं उसको लिखूंगा कोई भी क्लास सी की रेंज में से कोई भी एक आईपी एड्रेस आप लोग लिखवाइए नेटवर्क लिखवाइए अब नॉट से नेट आप एक नेटवर्क लिखवाइए क्लास सी का बोलिए फटाफट बोलिए क्लास सी का कोई भी एक नेटवर्क बोलिए बोलिए रेपी जी बिन्नी जी रकीव, तीन लोग हैं, आलिम भी है आलिम बोलो कुछ तो बोलो 192, 168, टू वन लेंगे हम नेटवर्क लेंगे जीरो ने नहीं लेते वन डॉट ले लेते हैं ठीक है जीरो से थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं पहले वन इसको सिंपल कर लेते हैं मैंने जीरो लिया इसलिए मैंने वन कर दिया पे, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मेरा नेटवर्क है अब इसी नेटवर्क को मुझे तोड़ना है छोटे छोटे सब नेटवर्क में तो कैसे करेंगे देखो तो आप म्यूट कर लेना और आप थोड़ा सा समझो स्टेप समझते हैं कुछ स्टेप्स सबसे पहले स्टेप वन।, वन के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसके क्लास जिस भी क्लास का यह आईपीडस नेटवर्क मैंने लिखा है इट इज सी नेटवर्क नो तो उसको सबनेटमाज लिखेंगे पहला स्टेप सेकेंड स्टेप स्टेप टू स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे इस सबनेट मास जो हमने लिखा है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यही होगी बाइनरी आपकी

इन बिट्स के साथ करेंगे जो होस्ट वाला जो पोर्शन होता है उसी पोर्शन के अंदर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो पहली चीज हमें क्या करना है हमें एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसे बोलते हैं हम पावर ऑफ की पावर की कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये कितने बिट्स हैं आठ बिट हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ टोटल आठ बिट हैं दिस ऑल आर बिट अब नंबर ऑफ आईपी मुझे कितने चाहिए हर नेटवर्क में आईपी चाहिए यही हमारी रिक्वायरमेंट थी तो पचास आईपी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पावर ऑफ टू की कैलकुले करेंगे जितने आईपी की रिक्वायरमेंट होती है उस आईपी की हमें पावर ऑफ टू कैलकुलेट करनी है अगेन मैं बता रहा हूं इस सिंगल ये पहला एग्जांपल है हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ में आए कुछ चीजें नहीं आए तो डरना नहीं है वेट करना मेरे को नेक्स्ट एग्जाम्पल का सेम चीज दोबारा रिपीट समझ में आ जाएगा जहां ट्वेंटी परसेंट समझ में एग्जाम्पल्पल तो मुझे गारंटी है तीन के आपको समझ में आएगा ही नहीं ठीक है तो यह होस्ट पोर्सन है तो हमें पावर ऑफ टू के हिसाब से फिफ्टी हमें आई पी चाहिए तो एग्जैक्टली exactly फिफ्टी तो मुझे नहीं मिल पाएगा हमें फिफ्टी से थोड़ा ऊपर ही लेना पड़ेगा या टोटल 50 चाहिए होगा ठीक है 50 से कम नहीं चलेगा इक्वल टू 50 चलेगा या तो उससे ऊपर चलेगा तो पावर ऑफ 2 की कैलकुलेशन क्या होती है तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ होस्ट अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है एक फॉर्मूला लिखना है 2 की पावर h h का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट h का मतलब है इस h का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी है मेरी 8 बिट है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है ना और माइनस टू करेंगे माइनस टू वी नो वेरी वेल इट्स नेटवर्क नेटवर्क ब्रॉडकास्ट हर में एक नेटवर्क आईडी होगी एक ब्रॉडकास्ट आई डी होगी तो <coughs> कितनी है मेरे पचास आई पी चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे दो बिट को रिजर्व रखता हूं यानी दो बिट लेता हूं मैं यहां से तो टू की पावर टू माइनस टू टू की पावर टू मतलब टू की पावर टू मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने ले रहे हैं मान के चलो हम दो बिट लेके कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस टू करेंगे नेटवर्क बिट एंड नेटवर्क आईडी हटाएंगे तो दो माइनस करेंगे तो टू की पावर टू मतलब टू मल्टीप्लाई टू दो, दो बार मल्टीप्लाई करना है ये आया चार चार में से दो माइनस किया दो हमें कितनी चाहिए पचास तो ये बहुत कम है तो मैं टू की पावर थ्री करूंगा मतलब तीन बिट लेता हूं तो टू की पावर थ्री माइनस टू हो जाएगा एट टू की पावर थ्री का मतलब एट मतलब थ्री से मल्टीप्लाई करना टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स नो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है पावर ऑफ टू तो मीन्स एट माइनस टू इट इज सिक्स नहीं पचास चाहिए हमें तो टू की पावर फोर इट इज सिक्सटीन होता है माइनस टू आई गेट फोर्टीन नो टू की पावर फाइव uh, मतलब बत्तीस माइनस टू आई गेट थर्टी नो मिली को फिफ्टी टू की पावर सिक्स इट्स सिक्सटी फोर माइनस टू इट सिक्सटी टू यस फिफ्टी के नियर बाई में पहुंच गया मैं कम नहीं ले सकता को ज्यादा लेना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly फिफ्टी नहीं मिल सकता बिकॉज वी आर डूइंग कैलकुलेशन पावर ऑफ डूंगा तो जो उसके नियरेस्ट होगा वही हम लेंगे तो सिक्सटी टू आई कैन यूज बिकॉज वी हमें बासठ मिल रहे हैं चलो बारह आई पी में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बारह वेस्ट अच्छा है दो सौ से तो जहां पहले दो सो वेस्ट हो रहे थे अब बारह वेस्ट होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे पास सिक्सटी टू आई पी हमारे पास ये हो गए यानी हमें कितने बिट रिजर्व करने होंगे सिक्स बिट रिजर्व करने होंगे तो मैं क्या करूंगा ये जो आप देख रहे हो मी सेकंड ये मैं हटा देता हूं कलर तो मतलब जो स्टार्टिंग देखना और कैलकुलेशन हमारे को ये ऐसे करनी है राइट टू लेफ्ट तो हमें छह बिट जो है वो रिजर्व करनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स बिट हमें रिजर्व रखनी है और ये वाली जो बिट है

ये जो जो ये बाइनरी में जो है उनको हमें लिखना है ठीक है तो सबसे पहले एक वैल्यू होती है बीच सीआईडी वैल्यू थोड़ा इसको समझ लेते हैं सीआईडी मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट तो नेटवर्क बिट कितने हैं पहले कितनी थी चौबीस थी सी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश वैल्यू से तो पहले हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितनी थी 24. आठ 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 चौबीस बिट थे ना पहले नेटवर्क में अब हमने क्या किया दो बिट और दे दिए तो हमारी सीआईडीआर वैल्यू क्या हो जाएगी स्टेप थ्री सी आई डी आर वैल्यू नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितने हो गए स्लैश छब्बीस पहले चौबीस थे अब छब्बीस हो गए दिस इज दी आई डी आर वैल्यू क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग सीआईडीआर Is nothing, it is a calculation, it's a num total इट्स टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क पहले सी आई डी आर कितना क्या हो गया 26. तो so, स्टेप two three के अंदर क्या किया? वैल्यू निकाल लिया मतलब नंबर ऑफ बिट हमने कैलकुलेट कर लिए. अब हमें क्या निकालना स्टेप four. हमें स्टेप four में क्या करना है हमें स्टेप four में न्यू सबनेट मास को कैलकुलेट करना है तो ये कितना है 255, ये कितना है 255, ये कितना है 255, तो 255, 255, 255 पचपन ये तो रहेगा ही ये दो बिट को और कैलकुलेट करना है ये हमारा प्लेस वैल्यू 128 और ये प्लेस वैल्यू हमारी 64, व्हाट विल इट इज 192 तो दिस इज द न्यू सबनेट मास्क पहले सबनेट मास ये था एस पर स्लैश ट्वेंटी फोर बट नाउ इट इज स्लैश ट्वेंटी टू होता है दिमाग में बैठा लो इंटरव्यूअर क्या करेगा सबनेट मास्क क्या होगा इसका स्लैश ट्वेंटी सिक्स का तो ये कैलकुलेशन कैसे करते हो भी सिखाऊंगा ये तरीका कैसे जल्दी कैसे कैलकुलेट करोगे वो सिखाऊंगा मैं तो फिलहाल स्लैश ट्वेंटी सिक्स तो मतलब मास क्या बन गया दो सौ पचपन दो सौ पचपन दो सौ पचपन एक सौ बानवे स्टेप फोर तक सबको समझ में आया स्टेप फोर तक सबको समझ में आया हम्म hmm. yes no, बोलिए ना सर सबको पूछ रहा हूं मैं तीन लोगों की आवाज आनी चाहिए तीन लोग कनेक्ट ओके ओके गॉट इट तो अब स्टेप फोर में हमने क्या निकाला न्यू सबनेट नेट मास्क ठीक है म्यूट कर लीजिए फटाफट अभी फ्लो बना हुआ है तो कंटिन्यू करते हैं तो स्टेप फाइव के अंदर अब क्या करेंगे देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप स्टेप फाइव क्या सर ये पांचों स्टेप याद रखने पड़ेंगे हाँ याद रखने पड़ेंगे प्रैक्टिस करना पड़ेगा दो से तीन दिन उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप एक फिंगर पे भी अब कर लोगे कैलकुलेशन एग्जाम्पल के लिए जब हम छोटे थे प्री प्राइमरी में पढ़ते थे और जब हम लोग हम लोगों ने पहली बार एडिशन सीखा था तो हमारी मैडम लिखती थी फाइव में अगर हम टू ऐड करेंगे कितना होगा तो हम लोग क्या करते थे फाइव डंडी खींचते थे दो और एक्स्ट्रा ऐड करते थे कैलकुलेट करते थे एक दो तीन चार पांच छः सात सात अगर कहते आपको माइनस करना तो हम लोग दो काट देते थे पांच में से अच्छा फाइव में से सॉरी फाइव में से दो गए कट कर दिए कितने बचे तीन तो हम लिख लीते तीन बचपन में हम ऐसे ही करते थे लेकिन आज अगर मैं बोलूं आठ में से अगर हमें फाइव माइनस करना है तो आप इमीडिएटली बोल लोगे थ्री बचे क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है आपको कैलकुलेशन पता लग गया है सेम ये चीज अभी हम लोग प्री प्राइमरी में हैं और हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं और जब हम थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे फिर क्विक तरीका बताऊंगा क्योंकि इंटरव्यू में कि आप एक एक ऐसे थोड़ी करने बैठ जाओगे ये कॉपी किताब सर पेन पेपर दे देना दे सर मैं लिख के बताऊंगा आपको नहीं वहां पे फिर आपको जल्दी जल्दी करके बताना होता है टाइम तो लगता है क्योंकि जमा घटा होता है इसमें थोड़े बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं तो अब इससे तो लिखना नोट करना पड़ता है बट देर इज एम आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम यहाँ लग रहा है इससे कम ही टाइम लगेगा ठीक है स्टेप फाइव के अंदर हमें क्या करना है स्टेप फाइव के अंदर हमें ब्लॉक साइज निकालना है ब्लॉक साइज कैसे निकलता है ब्लॉक निकालने का तरीका होता है आपका फॉर्मूला होता है दो में से माइनस कर दोगे आपके सबनेट मास की वैल्यू टू माइनस न्यू सबनेट मास्क ऑक्टेट जो नया सबनेट मास है ना ये वाली वैल्यू यहां पे लास्ट वाले ऑक्टेट में चेंजेस आया हमारे इस वाले ऑक्टेट में चेंजेस आया है पहले कितना था 255 255 25, जीरो था अब कितना हो गया दो सौ पचपन दो सौ पचपन एक सौ बानवे तो चेंजेस कहां पे आया है दो सौ छप्पन तो में से अगर आप एक सो बानवे माइनस कर दोगे तो ये बनेगा चौसठ तो ये क्या निकल गया दिस इज द ब्लॉक साइज यानी आपका पर नेटवर्क सिक्सटी फोर के ब्लॉक में चलेगा अब कैसे निकालेंगे तो देख लो तो हमारा मेजर नेटवर्क कितना था हमारा मेजर नेटवर्क था वन नाइनटी टू स्लैश ट्वेंटी था पहले स्लैश ट्वेंटी फोर का मतलब आठ बिट आठ बिट आठ बिट ये तो नेटवर्क का था ना तो स्लैश ट्वेंटी फोर था बट नाउ इट इज नॉट ट्वेंटी फोर नाउ इट इज ट्वेंटी सिक्स एंड माय ब्लॉक साइज इज सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर का मतलब जो नेक्स्ट सबनेट बनेगा दिस इज द सबनेट वन मतलब नेटवर्क वन अगेन नेटवर्क बोल लू या सबनेट बोल लू एक ही चीज है 192.168.10.0 क्या है ये दिस इज द नेटवर्क और दिस इज सबनेट एक ही बात है आई कैन से सबनेट आई कैन से नेटवर्क सेम थिंग सो नाउ सो नाउ सो दिस इज अ सबनेट वन नेटवर्क वन मीनस अब मैं दोबारा नेटवर्क नहीं बोलूंगा अब मैं सबनेट ही बोलूंगा तो नेक्स्ट क्या बनेगा एट वन डॉट लास्ट वाले में ही था ना मेरा क्या था 64, तो जीरो में और 64 ऐड करोगे तो 64 जीरो में 64 add करो, तो दिस इज ना तो दिस इज द सेकंड सबनेट थर्ड सबनेट वन डॉट सिक्सटी में और 64 ऐड करो 128, 26, 26, 4, क्या मैं इसमें और एड कर सकता हूं नहीं जो मेरा सबनेट मास में जो वैल्यू आई थी वन नाइनटी टू अगर वहां तक मेरी वैल्यू आ जाती है मैं यही में स्टॉप हो जाऊंगा क्योंकि मैं इसमें अगर और 64 ऐड करूं दैट विल बी 256 दिस इज नॉट पॉसिबल एक ऑक्टेट के अंदर 256 तो हो ही नहीं सकता तो दैट मीन 192 इज माय लास्ट सबनेट तो पहले क्या था समझो इस चीज को पहले मेरे पास ये था 192 168 1.0/24 एक सिंगल नेटवर्क था मेरे पास पहले अब मैंने क्या किया दिस इज द अनदर वही सेम चीज अब मैंने इस सिंगल नेटवर्क को वन टू थ्री एंड फोर नेटवर्क में तोड़ दिया तो दिस इज द 192 168 1.0/26 लास्ट वाला लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है 1.0/26 अगला सबनेट क्या बन गया 192 168 1.64/26 इसके बाद क्या बन गया वन डॉट वन नाइनटी टू सॉरी वन ट्वेंटी एट स्लैश ट्वेंटी सिक्स और नेक्स्ट सबनेट क्या निकल गया वन नाइनटी टू वन सिक्स एट वन टू टू स्लैश ट्वेंटी सिक्स यानी ये सबनेट्स बन गए पहला ब्लॉक वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी सिक्स वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट सिक्सटी फोर स्लैश ट्वेंटी सिक्स वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट वन ट्वेंटी एट स्लैश ट्वेंटी सिक्स वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट वन नाइन्टी टू स्लैश ट्वेंटी सिक्स समझ में आया थोड़ा बहुत मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ पूरा समझ में आया अच्छी बात है पूरा समझ में आया तो बट समझ में आया कि हमने क्या किया पहले एक नेटवर्क था हमारे पास मल्टीपल सबनेट्स हो गए येस और नो समझ में आई थी चीज तो अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट थे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे तो मैं एचआर को कौन सा वाला ब्लॉक दे दूंगा 192 168 26 वाला इसको मैं दे देता हूं 192 168 1.64/26 वाला नेटवर्क इसको मैं दे देता हूं 192 168 1.128/26 वाला बाकी मेरे पास 192 168 1.192 जो था

इधर भी नेटवर्क आई डी ब्रॉडकास्ट आई डी और यूजेबल आई पी निकलेगी इधर भी नेटवर्क आई डी तो वो भी मैं थोड़ी देर में, थोड़ में निकलवाना बताऊंगा पहले हमने सबनेट्स निकालना सीख लेते हैं फिर एक एक सबनेट को पकड़ेंगे उसमें नेटवर्क आई डी क्या होगी ब्रॉडकास्ट आई डी क्या होगी और वैलिड आई पी क्या होगी वो हम लोग देखेंगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको हंड्रेड परसेंट समझ में आए हो अगर आपको दस परसेंट भी आया ओके बीस परसेंट आया ओके बट अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे तो अभी वो बीस परसेंट बढ़ के अपने आप सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट हो जाएगा ठीक है चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अब मुझे अब आप लोग बताइए पर नेटवर्क मुझे कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है आपको बताइए पर नेटवर्क कितने आईपी चाहिए टेल एनी एनीवन कितने आईपी चाहिए लास्ट टाइम हमने पचास लिए थे अब आप लोग बताए कितना मैं उस से कैलकुलेशन करूंगा ताकि आप लोगों के साथ ही चलू मैं बोलिए थोड़ा और बढ़ाओ राउंड फिगर वैल्यू लो ना या तो कम ले लो एकदम कम ले लो ये तो थोड़ा हंड्रेड के आसपास रखो मतलब राउंड फिगर में सर पचहत्तर नहीं सत्तर अस्सी नब्बे बीस दस इस तरह से राउंड फिगर में लो रखोगे वही वन जीरो फाइव हंड्रेड भी बोल सकते थे चलो वन जीरो फाइव रख लेते हैं ठीक है देख लो मुझे 105 आईपी चाहिए पर नेटवर्क ज एफ एल एस एम हम लोग एफ एल एस एम कर रहे हैं तो देखा ना जब वो हमने अभी सबनेट बनाए थे सभी का सीआईटी आर क्या था स्लैश मतलब ट्वेंटी जो अगला सबनेट था उसका भी स्लैश ट्वेंटी फिर स्लैश ट्वेंटी सभी की जो लेंथ है वो सेम है fixed है, That's 10 IP है? ठीक दस आई की रिक्वायरमेंट है

तो टू हंड्रेड डॉट वन फोर्टी फाइव वन डॉट जीरो ट्वेंटी फोर ये हमारा सबनेट है और हमें इसकी सबनेटिंग करनी है एक सौ आई पी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो स्टेप वन में हम लोग क्या करते थे स्टेप वन के अंदर हम लोग अपने सबनेट मास्क को लिखते थे डिफॉल्ट सबनेट मास्क को मतलब तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क मेरा ये होगा उसके बाद हम इसकी बाइनरी करते थे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 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 रिक्वायरमेंट कितनी है सौ 105 पावर ऑफ टू करेंगे तो लास्ट टाइम हमने 6 बिट को रिजर्व किए थे तो हमारे वैल्यू निकली थी 64 यानी 62 वैलिड फोर थी मतलब 2 की पावर 6 बिट हम रिजर्व करते हैं और माइनस टू करते हैं क्योंकि नेटवर्क आई डी ब्रॉडकास्ट आई निकालना है तो टू की पावर सिक्सटी होता है टू की पावर सिक्स होता है सिक्सटी और माइनस टू करेंगे तो वैलिड आई हमारे को टू मिलेंगी जो हम सिस्टम को असाइन करते हैं तो सिक्सटी और 105 में जमीन आसमान का फर्क है तो मैं टू की पावर सेवन करता हूँ तो टू की पावर सेवन माइनस टू करेंगे तो टू की पावर सेवन का मतलब होता है एक सौ अट्ठाईस और माइनस दो करेंगे तो एक सौ छब्बीस आई पी मुझे पर नेटवर्क में मिलेगा और मेरी इस नेटवर्क को ये फुलफिल कर रहा है तो मैं ये जो एक दो तीन चार पाँच छ सात ये जो सात बेटा ये फिक्स कर दूंगा रिजर्व कर दूंगा और ये जो एक बेचारा बचा है इसको मैं नेटवर्क को दे दूंगा तो मैं तीसरा CIDR मेरी क्या हो जाएगी CIDR अब हो जाएगी स्लैश 25 पहले 24 थी अब 25 हो जाएगी क्योंकि 24 तो थे एक बिट मैंने एक्स्ट्रा और दे दिया नेटवर्क को दैट इज द 25 फोर्थ में हम लोग क्या निकालते थे न्यू सबनेट मास तो ये हमारा होगा 255 ये होगा 255 ये होगा 255 25, और ये होगा इसकी प्लेस वैल्यू कितने 120 है 128, तो मींस 128 दिस इज द न्यू सबनेट मास्क

सॉरी वन को क्यों लेंगे हम टू हंड्रेड डॉट वन फोर्टी फाइव डॉट वन डॉट जीरो स्लैश पच्चीस नेक्स्ट हम फिर जीरो में वन ट्वेंटी एट एड करेंगे क्योंकि वन ट्वेंटी एट का हमारा ब्लॉक साइज निकला है तो टू हंड्रेड डॉट वन फोर्टी फाइव डॉट वन डॉट वन ट्वेंटी एट

डॉट वन फोर्टी फाइव डॉट वन डॉट जीरो ये तो स्टार्टिंग यहीं से होगा स्लैश पच्चीस जो भी है मतलब ये मेरा क्या हो गया नेटवर्क आईडी डी दिस इज माई नेटवर्क आई डी ब्रॉडकास्ट आई क्या होगी ब्रॉडकास्ट आई होती है जो अगला सबनेट होता है ना जो सबनेट टू है इसका जो वैल्यू है वन ट्वेंटी एट इसमें से एक माइनस कर दोगे तो ऊपर वाले सबनेट का ब्रॉडकास्ट निकल जाएगा तो टू में एक माइनस करेंगे 127 होता है तो 127 सौ मेरी क्या हो जाएगी ब्रॉडकास्ट का साइड हो जाएगी सबनेट वन की क्योंकि अगला तो फिर एक सबनेट ही आ गया ना फिर नेक्स्ट एक ब्रॉड के बाद के बाद क्या आता है अगला सबनेट आ जाता है तो ये अगला सबनेट तो हमारा वन वाला है ही और जो यूजेबल आई पी होगी विच इज टू हंड्रेड डॉट वन फोर्टी फाइव डॉट वन डॉट वन से लेके टू हंड्रेड डॉट वन फोर्टी फाइव डॉट वन डॉट वन टी से पहले एक सौ छब्बीस ये हमारी वैलिड आईपी होगी दीज आर वैलिड आईपी अब ध्यान से समझो सर आपने जब आईपी एड्रेस पढ़ाया था तो हमें बताया था जो अगर पूरा ऑक्टेट जीरो है तो वो नेटवर्क आईडी होगी और ऑल ऑक्टेट आर टू फिफ्टी फाइव तो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी यहाँ तो सर ब्रॉडकास्ट आईडी आई डी है वो डिफॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग डिफॉल्ट यूज कर रहे थे अब हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं हम अपने तरीके से उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं आप जब बाइक वगैरह लेकर आते हो या कार लेकर आते हो तो डिफॉल्ट जो मॉडल आपको कंपनी देती है वो आप करके लाते हो बस लाने के बाद आप उस पर गाड़ी में लाइट लगा दो कुछ लगा दो दो साइलेंसर लगा दो इट्स योर थॉट तो आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो अपने हिसाब से तो फिर वो लुक जो आएगी फिर वो अलग ही आएगी ना तो काइंड ऑफ थिंग ये हमारी डिफॉल्ट वाली नहीं है हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं सबनेटिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट एक एक सबनेट मिल रहा है लेकिन उसको हम लोग और अपने तरीके से सबनेटिंग कर रहे हैं सबनेटिंग करने का रीजन ये कि वेस्टेज ऑफ आईपी को बचाना तो पहले मैं दो अलग अलग नेटवर्क ले रहा था दो अलग अलग नेटवर्क के लिए सपोज मेरे को एक आईटी डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है तो आईटी के लिए एक मैंने नेटवर्क ये वाला यूज कर लिया सेल्स वाले को ये वाला दे दिया हो गया ना मेरे एक ही नेटवर्क में दोनों काम ये तो मुझे लेना पड़ता फिर 200.145.2 लेना पावर ऑफ सबनेटिंग वैलिड डाइपी अच्छा इस वाले नेटवर्क की अगर मुझे नेटवर्क आई डी ब्रॉडकास्ट आई निकालनी हो और वैलिड डाइपी निकालनी हो तो टू हंड्रेड ये वन यही मेरी नेटवर्क आई होगी एज द स्लैश ट्वेंटी

वैलिड आईपी आप सिस्टम को असाइन कर सकते हो और इसी का मैं एग्जाम्पल आपको मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं मैं राइट right क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आता हूं और यहां पे जाके मैं एक आईपी देता हूं टू हंड्रेड डॉट वन फोर्टी फाइव ध्यान से देखना टू हंड्रेड डॉट वन फोर्टी फाइव वन डॉट वन ट्वेंटी एट एंड मैं सबनेट मास मारता हूं क्या लिया इसने दो सौ पचपन दो सौ पचपन दो सौ पचपन जीरो के हिसाब से ये एक वैलिड आईपी है और ये एक्सेप्ट कर लेगा बट अगर मैं सबनेट मास चेंज कर दून 128 कर दूं अब इसके हिसाब से ये नेटवर्क आईडी है दिस नॉट अ ब्रॉडकास्ट आईडी। सी ओह सॉरी सॉरी कैंसिल हो गया है ओके okay, नहीं हुआ है कैंसिल हो गया देखो 128 एंड क्लिक ओके क्या बोल रहा है

यहां पे अगर मैं जीरो कर दूं तो ये ले लेगा तो आपका सिस्टम ना लॉजिक के ऊपर काम कर रहा है अगर यहां पे वैल्यू चेंज कर दूं तो उसके हिसाब से लॉजिक के हिसाब से बोलता है ये एक नेटवर्क आईडी है सॉरी ये ब्रॉडकास्ट आईडी है पहले वाले सबनेट का ये नहीं ले रहा है और अगर ये मैं 128 कर दूं तो ये नेक्स्ट सबनेट की नेटवर्क आईडी हो जाएगी इसको भी नहीं लेगा लेकिन अगर वही मैं अगर जीरो कर दूं तो डिफॉल्ट वाले के हिसाब से तो ये ब्रॉडकास्ट ये तो एक वैलिड आईपी हो जाएगा ये एक वैलिड आई भी हो जाएगा तो सिस्टम को नहीं पता इट इज अ क्लास ए क्लास बी क्लास सी नो जो सबनेट मास और आईपी जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपने उसके बेसिस पे वो जज करेगा कैलकुलेशन करेगा नॉट जज कैलकुलेशन करेगा एंड दैट विल बी डिसाइड उसके हिसाब से नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट जो हमने कैलकुलेशन किया कंप्यूटर भी ऐसे ही कर रहा है तो सो की आपको समझ में आ रही होगी चीजें यस yes और नो no? आ रही है चीजें बोलिए हाँ या ना दो एग्जाम्पल में और ज्यादा समझ में आया चलो एक क्लास बी का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है अच्छा नहीं क्लास सी पे ही रखते हैं वी विल नॉट गो क्लास बी राइट नाउ क्लास बी को हम लोग कल कर लेंगे ताकि हम लोग क्लास सी को पहले हैंड्स ऑन अच्छे से कर ले हमारे दिमाग में क्लास सी एकदम से बैठ जाए बिन्नी जी आपको चीजें क्लियर हो रही हैं हम आप मेरे कल से दोबारा रिपीट कर रहे होंगे लेकिन आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अब पहले से के लिए ज्यादा आई डोंट नो कि आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी आ, बिंदी जी है ही नहीं शायद ओके नो प्रॉब्लम चले गए होंगे कुछ काम आ गया होगा ठीक है अब एक काम कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास सी की सबनेटिंग कर लेते हैं बट आई की रिक्वायरमेंट मैं आप लिख लेता हूँ अपने हिसाब से मुझे आई चाहिए दस नहीं यार दस नहीं देते

तो लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आई विल से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन एट सो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट इज थर्टी तो मैं यहाँ पे अगर मैं चार बिट अगर करता हूँ तो टू की पावर फोर मीन इट्सटीन माइनस टू आई विल गेट फोर्टीन आई पी So, 2 की पावर फाइव इट इज थर्टी टू माइनस टू इट थर्टी टू थर्टी टू यानी माइनस टू करने के बाद थर्टी आना चाहिए मैंने इसलिए जान थर्टी लिया है अगर माइनस करने के बाद थर्टी आए तो आपका ओके है ठीक है तो थर्टी थर्टी मैच कर गया मेरा मतलब इक्वल टू आ गया तो पांच बिट ले लेंगे यहां से बाकी हम तीन बिट नेटवर्क को दे देंगे तो C.I.D.R क्या हो जाएगा पच्चीस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस स्लैश सत्ताईस स्लैश सत्ताईस तो सबनेट मास क्या होगा तो दो सौ पचपन दो सौ पचपन दो सौ पचपन एंड डॉट वन ट्वेंटी एट सिक्सटी फोर वन नाइन्टी टू एंड दिस इज दू ट्वेंटी फोर मतलब तो दिस इज न्यू सबनेट मास ब्लॉक साइज निकालने का फॉर्मूला दो सौ छप्पन माइनस दो सो चौबीस टू थर्टी टू हमारा ब्लॉक साइज आ गया तो ब्लॉक साइज थर्टी टू के हिसाब से निकालना है हमें तो वन 168, टू वन सिक्सटी एट वन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी सेवन रहेगा सबका ठीक है अब नेक्स्ट सबनेट निकलेगा वन 168, टू वन सिक्सटी एट वन डॉट थर्टी टू 192, 168, 32 वन के में चलना है ना 32, 32, 64, 192, सिक्सटी फोर वन वन डॉट सिक्सटी फोर में और थर्टी टू एड करेंगे 96 सिक्स ये सारे स्लैश 27 हैं ध्यान रखना दिस ऑल आर स्लैश 27 लिख नहीं रहा हूँ मैं इसके आगे बस चलो लिख ही देता हूँ कन्फ्यूज नहीं होना है फिर वन नाइनटी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट सिक्स में और थर्टी टू एड करेंगे विल गेट वन गेट एट स्लैश सत्ताइस यहाँ लिख लेते हैं चलो यहीं लिख लेते हैं वन टू वन सिक्सटी एट में और थर्टी टू ऐड करेंगे विल गेट वन सिक्सटी फिर वन नाइन्टी टू में वन सिक्सटी एट वन डॉट वन में और थर्टी टू ऐड करेंगे तो इट विल गोज़ वन नाइन्टी टू और इसमें और एक ऐड कर लेंगे 192 168, .1 .192 में और 32 ऐड करेंगे विल गेट 224 ट्वेंटी फोर और 224 तक ही जाएंगे क्योंकि 224 ही मेरा सबनेट मास में आया है तो टोटल आठ सबनेट निकलेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ एक मेजर नेटवर्क के आपके टोटल आठ सबनेट हुए तो पहले वाले सबनेट को उठाओ 192 168 10 वन स्लैश ये हो गया आपकी नेटवर्क आईडी डी स्लैश हटा देता हूँ ये होगी आपकी नेटवर्क आई डी ब्रॉडकास्ट आई डी क्या होगी कोई बताना चाहेगा एनी वन टेल इज दस्ट आई डी ऑन दिस नेटवर्क अगला सबनेट में एक करना है तो बता देता हूँ फिर भी नेक्स्ट सबनेट थर्टी टू है तो उसमें एक माइनस करेंगे थर्टी वन दिस इज द ब्रॉडकास्ट आई डी और वैलिड आई भी कहाँ से कहां तक होगी एक से लेकर तीस और तीस ही आई बी तो हमें मिल रहे हैं पर नेटवर्क ये सॉन नो क्लियर है ऐसे ही में अगर अगला सबनेट अच्छा सॉरी अगर मैं ये वाला सबनेट उठाऊँ तो इस सबनेट का नेटवर्क आई क्या होगा नेटवर्क आई होगा कलर अलग ले लेते हैं वन नाइन्टी टू ठीक है और ये नेटवर्क आईडी हो जाएगी हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी 192, 168, 1.32 टू में और 32 ऐड करेंगे 64 जो कि नेक्स्ट सबनेट है उसमें एक माइनस करेंगे 63 ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी इस नेटवर्क की और वैलिड आईपी होगी थर्टी थ्री से लेके सिक्सटी टू तक टोटल काउंट करना ये थर्टी ही होंगे तो एवरी नेटवर्क हमें ये निकल रहे हैं समझ में आ रहा है यस और नो यस और नो बोलिए अरे बोलिए ना हाँ ना समझ में नहीं आया आया आप लोग कनेक्टेड है ना आलिम भी बचा है ओके रकीब को चला जाएगा रकीब ने बोला था मैं चला जाऊंगा क्योंकि उसको काम था उसको नौ बजे तो ये सी समझ में आया ठीक है अब आपका होमवर्क लिख लो होमवर्क ये है कि आप मुझे टू आईपी मुझे चाहिए पर नेटवर्क दो आईपी ही चाहिए ओनली बस आपको इतना बताना है सीआईडीआर वैल्यू क्या होगी मतलब स्लैश वैल्यू क्या जाएगा वो बताना है आपको सबनेट मास इस दो आईपी के हिसाब से सबनेट मास क्या होगा ये बताना है बस ये दो चीज बता दोगे मैं समझ जाऊँगा कि आ गया आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करके बतानी है आप ये होमवर्क लिख लो करके दिखाना दो आई चाहिए और एक और लिख लो दस आई के लिए भी अगर मेरे को दस आई चाहिए तो सी वैल्यू क्या आ जाएगी ठीक है और सबनेट मास्क क्या आ जाए क्या होगा ये दो चीज अगर आपने निकाल दिया ना तो मतलब आपको आ गया है ठीक है तो मुझे सर आप ये बताओ कि दो आई के हिसाब से सी आई डी और सबनेट मास्क क्या होगा दस आई के लिए क्या होगा दिस इज योर होमवर्क और टुमारो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप अगर टाइम मिले तो प्लीज कर लेना अगर आप सीरियस हो तो कर लेना मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ठीक है वीडियो मैं अपलोड आज ही कर दूंगा ठीक है और फिर आपको एक्सप्रेज़ कल मैं अपलोड कर दूंगा या फिर मैं देखता हूँ आज ही करने की कोशिश करूंगा ताकि आप ये रिविजन कर पाओ ठीक है चलो बाकी हम लोग कल क्लास मिलेंगे आज मैं क्लास इसलिए ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा सकता था आगे भी लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इसको सीख लो इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना सबनेटिंग वाला फिर हम लोग फिर राउटिंग वाउटिंग करेंगे तब हमारे को लंबी लंबी क्लास लेनी पड़ेगी तब साढ़े दस तक ग्यारह बजे तक क्लास बजेगी हमारी फिर ठीक है चलो ओके डियर ओके गुड नाइट गुड नाइट